तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका स्वागत है वापस एक बार इस नए नए चमचमाते पॉडकास्ट के ऊपर जिसका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट। और आज वापस बहुत दिनों के बाद आई एम रिकॉर्डिंग अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ है हमारे सबसे प्यारे दोस्त, हमारे सबसे प्यारे मित्र, विशेष पवार उर्फ सेक्सी काका। तो सेक्सी काका, तुझे कैसा लग रहा है भाई इस पॉडकास्ट पे आके? ये सेक्सी काका बोलना जरूरी था। पूरी दुनिया भाई आपको सेक्सी काका नाम से ही जानती है, और विल्सन कॉलेज में आप सेक्सी काका इस नाम से ही बहुत फेमस हो, तो आपको हम उसी नाम से संबोधित करेंगे इस पॉडकास्ट में भी। वाह, ठीक है, चलो, अच्छा है, अच्छा लग रहा है तेरे पॉडकास्ट में आके। बस बहुत दिन से था कि तेरे पॉडकास्ट में आने का, पर आज मिल गया चांस तो अच्छा लग रहा है। कैसी चल रही है जिंदगी? कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? क्या एकदम हाल क्या है? बस जिंदगी झंडवा चल रहा है, मतलब लाइक हाँ 50-50 चल रहा है, कभी ऊपर नीचे हो रहा है। तुझे कैसा लग रहा है, मतलब लाइक तेरे जिंदगी कैसा चल रहा है? वही चल रहा है सब। ऐसे पॉडकास्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ वापस से, और लाइक ट्राई इन द सेंस लाइक बना रहा हूँ पॉडकास्ट, पर लाइक अभी एपिसोड्स बनाने में ऐसा थोड़ा लाइक वापस से ऐसा लाइक छोटे बच्चे के जैसा फीलिंग आता है। और ऐसे पॉडकास्ट बनाते वक्त इट्स मच मोर लाइक ऐसा कुछ नया कर रहा हूँ वापस से, ऐसा फील होता है, ऐसे लाइक एकदम फ्रेश फील होता है बहुत ज़्यादा। और साइड बाय साइड लाइक पढ़ाई चल रही है, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ, बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, तो लाइक चल रही है भाई, अच्छी चल रही है ज़िंदगी। सही है, सही है। और बता। लाइक जैसे कहे, मतलब ऐसे कि जिंदगी किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम, वैसा ही चल रहा है लाइक। गरम, हाँ, बराबर बराबर। तू भाई गेमिंग बहुत करता है वैसे, लाइक मतलब 24/7 हम लोग के फ्रेंड ग्रुप में वही चलता रहता है कि भाई विशेष सेक्सी काका एकदम लाइक गेमिंग ही बहुत करता है। तो तेरा गेमिंग का बता, तू लाइक पबजी बहुत खेलता है, लाइक पबजी का कुछ ब्रांड एम्बेसडर वगैरह है, लाइक तेरे को ब्रांड वर्क का पैसा मिलता है, कुछ है क्या तेरा वैसा सेटिंग वेटिंग लगाया क्या? अरे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब रिलीफ होता है, मतलब जो भी कुछ है दिन का स्ट्रेस, मतलब लाइक ऐसे दारू पीते उससे कैसे रिलीफ होता है, वैसे एक रिलीफ हो जाता है। और गेम इम्प्रूवमेंट होता है, वही सब होता है, तो इसके लिए मैं खेलता हूँ गेम्स। ऑल्सो फॉर लाइक कॉन्टेक्स्ट भाई, ये इसका पेटेंट वाला डायलॉग है कि भाई जिंदगी ऐसी चल रही है करके, ये पेटेंट डायलॉग है। हाँ, बराबर बराबर। तो भाई थोड़ा अपने बारे में भी बता तू हम लोग को, ऐसे आया है फर्स्ट टाइम आया पॉडकास्ट पे, और लाइक तू ऐसे मतलब नॉर्मल इन पर्सन में बहुत फनी बंदा है, बहुत बातें करता है, और लाइक ऐसे ग्रुप को थोड़ा एंटरटेन रखता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा अपना मैजिक मसाला स्प्रेड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात, मेरा नाम विशेष है, मैं रिदेश का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, विल्सन कॉलेज से हूँ, हम दोनों एक ही क्लास में, हमारा बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल है, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं क्लास में, हम लोग कभी कभी बंक भी मारते हैं और कभी कभी क्लास भी अटेंड करते हैं। तो लाइक मुझे लगा नहीं था कि विल्सन कॉलेज में आके मतलब पूरा लाइफ बदल जाएगा दोस्त लोग के साथ, पर अच्छा था एक्सपीरियंस कॉलेज लाइफ का। और लाइक मैं नेवी एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे सब क्वार्टर्स है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। नेवी मतलब एग्जैक्टली एकदम सबको बता, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलेगा, नेवी एरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि, लेकिन एक दो सा एग्जैक्ट बता तू बताते वक्त। ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि ये पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन मतलब लाइक ये पूरा प्राइवेट एरिया है, और मतलब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, मतलब लाइक यहाँ पे सब ऑफिसर्स ही कर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी वो है, एक फाइन पड़ता है, और यहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते, लाइक यहाँ का इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारा हेड क्वार्टर्स है आर्मी का जो गुजरात को लिंक होता है, ये सब है। ऐसा कौन सा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप छुपा के रखे हो सेक्सी काका? ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अभी उन लोग का पर्सपेक्टिव अलग है ना, उन लोग उनको ऐसा लगता है कि हमारे एरिया को कुछ होना नहीं चाहिए, लाइक उनका भी बराबर ही है, पर ठीक है अभी। ऐसे मम्मा की तरह फिक्र करते हो सबकी। हाँ जस्ट लाइक दैट, हाँ बराबर, पर तो भी ठीक ही है एरिया ये। तो भाई ऐसे लाइक नॉर्मल जिंदगी चल रही है, लाइक जिंदगी में ख्वाब क्या है आपके, कौन से थॉट्स आप बना रहे हो, क्या मतलब क्या सोचा है, क्या करने वाले हो, क्या चल रहा है, आज का रूटीन कैसा था? आज का रूटीन तो बहुत ही गंदा था,
ऐसे नॉर्मल जाता है वैसे तो नहीं था, पर आज तो बहुत लेट उठा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। मतलब नॉर्मली तो उठ जाता हूँ जल्दी, कुछ 10 बजे तक, पर आज 12 बज गया। तो यही आज का रूटीन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पहले जैसा नहीं है। क्या सोच रहा है आजकल तू? कौन से चीजों के बारे में सोच रहा है? आजकल वही फ्यूचर में क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा, ये सब। कल ना क्या हुआ, मैं वो मूवी देख रहा था, तुझे तो मालूम रहेगा, फिर हेरा फेरी। तो हाँ भाई, फेवरेट मूवी है वो, गोल्ड गोल्ड हाँ एकदम, कॉमेडी में एकदम खतरनाक मूवी है वो, मजा आ जाता है हर बार देखता हूँ। बराबर। तो मतलब लाइक ना, उसमें से मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो बाबूराव है। मेरा ही फेवरेट नहीं, पूरे मतलब इंडिया का ही है, महाराष्ट्र का है, सबका फेवरेट वही है। उसका एक्टिंग, उसका एक्सेंट बोलने का तो अलग ही है। मतलब लाइक पूरा गाउटी है, पूरा गाउटी मतलब है वो। इन रियलिटी अलग है और इन कैरेक्टर अलग है, हाँ, लाइक ऐसा है। परेश रावल एज अ एक्टर, वो बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन, एकदम शांतिपूर्वक, ऐसा हाँ शुद्ध हिंदी में बात करने वाला बंदा है। पर लाइक ऑन द कॉन्ट्ररी, बाबूराव के टाइम पे जब वो एक्टिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लाइक बच्चे की जैसा, और लाइक फनी फनी बहुत बात करता है। बहुत फनी बात करता है, मतलब अलग ही वो बंदा इन कैरेक्टर। मतलब पूरा जैसे हम नहाते कैसे, पूरा पानी से पूरा, मतलब ना पूरा कैरेक्टर को पूरा अंदर ले लेता है, ऐसा है मतलब उसका कैरेक्टर। मतलब अच्छा लगता है, अच्छा बंदा है, अच्छा मतलब कर रहा है। अभी भी उनका शूटिंग हो रहा है ना कुछ, फिर हेरा फेरी 3 का। हाँ, कल लाइक फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज है 22 तारीख, और कल न्यूज़ आया था कि लाइक हेरा फेरी 3 का शूटिंग शुरू हो गया है। तो लाइक भाई फाइनली वो ट्रायो वापस आ रहा है, बाबूराव श्याम और राजू का। फिर तो और ही धमाल होने वाली है फिर हेरा फेरी 3 में, मजा आने वाला है। मतलब लाइक लास्ट में फिर हेरा फेरी 2 में है ना, आई गेस 2 ना। हाँ, 2-2 के फिर हेरा हाँ फेरी तो टू वही नहीं, लाइक लाइक इट्स हेरा फेरी, और हेरा फेरी के बाद फिर हेरा फेरी, रिटर्न, फिर हेरा फेरी रिटर्न। ना रिटर्न इन द सेंस लाइक रिटर्न लिखा नहीं है, बट इट्स लाइक पहले हेरा फेरी था और अभी लाइक फिर हेरा फेरी, तो उसका पार्ट 2 था वो, समझा? अच्छा तो फिर वही लास्ट में वो राजू का सस्पेंस छोड़ दिया था, कुछ समझा नहीं। तो वही अभी वो लोग फिर हेरा फेरी 3 में वो लोग कवर करने वाले हैं सस्पेंस को, अभी देखते हैं क्या होता है, पर मज़ा बहुत आने वाला है। लाइक जो मतलब ऐसे मूवी लवर्स है, कॉमेडी मूवी लवर्स है भाई, उनके लिए लाइक दृश्यम और फिर हेरा फेरी का जो एंड का क्लिफ हैंगर एकदम सेम है। बराबर बराबर। मतलब वो फिर हेरा फेरी अलग ही मूवी है, मतलब ना उसमें ज़्यादा रोमांस है ना, मतलब बस कॉमेडी भरा है, ऐसा है ना, ज़्यादा एक्शन है ना कुछ नहीं है, बस कॉमेडी है, कॉमेडी है, एक्शन एक्शन है पर कॉमेडी वे में है थोड़ा। लाइक स्लैपस्टिक है बहुत, हाँ, वैसे लाइक फिर हेरा फेरी से लाइक मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, बट लाइक ऐसी हम बात कर रहे हैं तो मेरे को ये क्वेश्चन आया कि लाइक फिर हेरा फेरी से हम सीख क्या सकते हैं भाई जिंदगी में? ऐसे कौन से चीजें हैं जो फिर हेरा फेरी के कैरेक्टर्स, पूरा सिनेरियो, और लाइक ये हमको सिखा के क्या जाता है, वो मूवी का सार्थ क्या है? मुझे ना मतलब ऐसा मन में हो रहा है कि लाइक बाबूराव एक्सेंट में कि ए बाबा टेंशन नहीं लेने का, ऐसा है, टेंशन नहीं बाबूराव लेने का। बाबूराव इज अ वेरी लाइक सेंसिबली फनी पर्सन। मतलब ऐसा तो है नहीं कुछ, मतलब टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से मतलब हंसी खुशी रहने का, ऐसा है उसका कुछ, मुझे बड़ा बोलने नहीं हो रहा है, ऐसा है। फिर हेरा फेरी के तेरे फेवरेट डायलॉग्स कौन से, और फिर हेरा फेरी के लिए फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से है? तो वही अपने नील नितिल मुकेश राजू श्याम बाबूराव, और उसका फेवरेट डायलॉग वही है, गाता ले माजा दिल, जब ये लोग का 20 नहीं क्या 25 लाख का कुछ वो करते हैं ना। हाँ, हाँ तभी फिर तभी वो तोतला से, वो जब भी तोतले में बोलता है तभी वो अच्छा लगता है, मतलब कॉमेडी लगता है, फनी लगता है। तू अपनी कॉमेडी की इंस्पिरेशन ऐसी मूवीज से लेता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये बचपन से है मेरे को मस्ती करने का, मतलब अच्छा लगता है मस्ती करने के लिए, मतलब रगो रगो में। पर्सनालिटी ही ऐसी है, क्या करे। हाँ पर्सनैलिटी ऐसी है बाबू भैया।
बाबू भैया अपना भी स्टाइल है ये बाबूराव का स्टाइल है। भाई। 2000 के बाद की जितनी भी लाइक वो एक फेज था भाई, 2010 2012 तक लाइक इतनी सही कॉमेडी मूवीज आती थी बॉलीवुड में से, लाइक बहुत बहुत मजा आ गया था लाइक वो पूरे फेज में। लाइक वेलकम, हेरा फेरी की लाइक जो सीरीज थी, फिर धमाल, फिर हंगामा, चुपके चुपके, ये सारी लाइक सबसे बेस्ट ऐसे कभी भी लगाओ कभी भी देखो टाइम पास लाइक ऐसे कॉमेडी मूवीज है। और लाइक अगर इसमें एक ऐड करनी है मूवी तो भाई अंदाज अपना अपना, लेकिन वो थोड़ी पुरानी है बट लाइक उसका भी जो ह्यूमर है और लाइक जो ऐसा सिचुएशन है वो कभी भी देखो मजा ही आता है। लाइक रात को 2 बजे भी लगा के देखोगे तो सब हंसेंगे भाई। रिपीट देख रहे हैं हम और मजा आता था ऐसा। पर है सब अच्छी मूवी है। सब ऐसे सब मूवी अभी बनने लग गई अभी अभी कुछ 23 24 में, तो मजा आएगा। जो कॉमेडी जॉनर है और लाइक मतलब समवट ऐसे मास या फिर कमर्शियल मूवीज में लाइक जो अच्छी मूवीज बनाने का जो आर्ट था भाई वो अनुराधा की तरह ही खो गए हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। अनुराधा तेरी बहन ने और लाइक पूरा पूरी दुनिया अभी समवट लाइक ऐसा जाग गई है, दे आर लाइक शाम ना हो, दे आर लाइक भाई मेरी अनुराधा मेरे को धोखा नहीं दे सकती वाला, सब पकड़ के बैठे। अनुराधा मेरे को। हाँ बराबर देखो भाई हेरा फेरी से ये भी सीख सकते हैं, किसने सोचा था भाई अनुराधा को हमने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं भाई, सीख लो यहाँ से भी। था उसका अनुराधा पे प्यार था। पर अभी वो सुनील शेट्टी की डॉटर का केएल राहुल के साथ वो हो गया ना, वेडिंग हो गया, शादी हो गया। हाँ, अथिल्या शेट्टी। बॉलीवुड की शादियों के बारे में तेरा कहना क्या है भाई? अभी रिसेंटली किसका शादी हुआ अभी भाई वो बहुत कौन है? बहुत शादियां हो रही है अभी रिसेंटली। हार्दिक पांड्या की शादी हो गई, रीमैरिज कर लिया उसने, फिर लाइक अभी हाँ अथिया शेट्टी की शादी हो गई, सिद्धार्थ और कियारा की हो गई भाई, हाँ रणवीर सिद्धार्थ सिद्धार्थ की। और कियारा, ये दोनों का मेरे को थोड़ा लगा था कि नहीं होगा नहीं होगा। मतलब शेरशाह मूवी में तो लोग ने अच्छा ही अपना रोल वो किया था, निभाया था, पर मालूम नहीं पड़ा कि इन फ्यूचर ऐसा होगा उन लोग दोनों के साथ। भाई दोनों मैनिफेस्टेशन कर रहे थे भी एक मेक के बारे में सिर्फ, और हो गया भाई। बहुत बहुत ऐसा अच्छा भी लगता है और लाइक ऐसा थोड़ा सडन भी लगा। बराबर लाइक परमानेंट बुकिंग ही हो गई। हाँ जी परमानेंट बुकिंग। अरे लाइक वो पोस्ट ने शायद से कुछ तो रिकॉर्ड भी बना दिया ना इंस्टाग्राम पे, लाइक वो सबसे फास्टेस्ट है फिर हाईएस्ट लाइक पोस्ट है शायद से भाई। पुरानी मूवीज से आते हैं पुराने कार्टून पे, तेरा कहना क्या है भाई? पुराने कार्टून कैसे थे, अभी के कार्टून कैसे हैं, पुराने कार्टून कैसे थे भाई? आप अपना ओपिनियन बताइए फिर हम बताएंगे। अरे पुराने कार्टून में कुछ फीलिंग ही अलग थी, जैसे थॉमस एंड फ्रेंड्स और कौन सा था, पोपो द सेलर मैन, और वो आता था ना एक, अरे यार उसका नाम भूल गया मैं। मतलब ये सब कार्टून से मतलब अच्छा लगता था। मतलब पहले अपने को ऐसा नहीं लगता था कि सब VFX यूज्ड है, एनिमेशन यूज्ड है, पर ऐसा लगता था खाली हम देख रहे वो कार्टून को एंजॉय कर रहे थे ऐसा लगता था। और अभी के कार्टून में मतलब जैसे नॉर्मल जिंदगी है वैसे नॉर्मल मतलब हो गया है नॉर्मल कार्टून वैसा। कंटेम्प्रेरी हो गया अभी, पहले ऐसा थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा लगता था कार्टून देखते वक्त। अभी शिनचैन का भी मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, उसके नए एपिसोड्स के साथ साथ तो उसका वॉइस ओवर भी चेंज हो गया है, मतलब पूरी फैमिली का, नोरा फैमिली का, तो कुछ अलग लग रहा है, मतलब डिफरेंट लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है वो भी कार्टून देखने में ऐसा। शिनचैन भाई गोल्ड है, लाइक उसके जो पुराने एपिसोड्स है, फिर डोरेमोन, हाँ नॉडी, पोकेमोन, ये लाइक हमारे टाइप के कार्टून है भाई। और लाइक ऐसे कभी कभी बुरा लगता है कि आजकल के बच्चे भाई ये नहीं देखते, और लाइक उनको भाई अलग यूट्यूब देखना है, उनको सौरभ जोशी व्लॉग सबसे देखना है भाई, पोपट हो गया। सबसे बेस्ट तो पावर रेंजर्स था, SPD, निंजा, बाप रे, वो सब मतलब अलग ही नॉस्टैल्जिया फीलिंग थी वो तो। अरे पावर रेंजर्स के बारे में लाइक आई एम नर्ड अबाउट पावर रेंजर्स, और लाइक इस पॉडकास्ट पे भी आई थी एक मेरी फ्रेंड आई थी तेरे कुछ एपिसोड्स पहले ही भाई, केतकी नाम है उसका, अगर वो ये सुन रही है कॉन्वर्जेशन भाई, हम दोनों स्कूल में पावर रेंजर्स खेलते थे। लाइक कौन बच्चा स्कूल में पावर रेंजर्स खेलता है, और हम दोनों भाई लाइक हम दोनों नहीं और भी लोग थे,
पूरा ग्रुप बनाया था हम लोगों ने, ऐसा लाइक कल्ट के जैसा, वी लाइक भाई पावर रेंजर्स के हार्डकोर फैंस हम, लाइक ऐसे एपिसोड में ये हुआ था ऐसे डिस्कस करते थे स्कूल में बहुत ज्यादा। फिर लाइक ऐसा गार्डन में भी मेरा एक ग्रुप था जो ऐसा लाइक पावर रेंजर्स के बारे में हम लोग मस्त ऐसे बातें करते रहते थे, और लाइक बहुत मजा आता था अच्छा, यार, अच्छा अच्छा समय था वो बहुत। वही मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि पुराने कार्टून आने चाहिए फिर से। जैसे वो कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी आता था, अभी वो भी बंद हो गया है। और तुझे मालूम है वो डिज्नी पे बेस्ट ऑफ लक निकी आता था। अरे भाई कितना सही था, बेस्ट ऑफ लक निकी, स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर और ओएजेसी। वो एकदम डायमंड था वो डिज्नी डिज्नी चैनल का, मतलब डिज्नी वो टाइम चैनल, हाँ लाइक एक समय पे डिज्नी चैनल वाज लाइक द मोस्ट वॉच्ड लाइक कार्टून का हाँ चैनल, और लाइक है ना, ऐसे, हंगामा और के। हाँ लाइक, और लाइक देख मतलब हंगामा, कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, डिज्नी इंडिया और डिज्नी एक्सडी अलग था भाई। डिज्नी एक्सडी पे फिनियस एंड फर्ब, किक बटूस्की और स्पाइडरमैन वगैरह लगता था। वो डिज्नी XD पे वो क्या लगता था, स्पाइडरमैन ना, स्पाइडरमैन हाँ मार्वल का स्पाइडरमैन मार्वल सेवेंटी। अल्टीमेट लगता था, और स्पाइडरमैन फिर एक मार्वल स्पाइडरमैन भी लगता था। हाँ बराबर बराबर। अभी कुछ एक नया चैनल आया है सोनी ए करके, उसपे भी नारुतो का सीजन 1 सीजन 2 दिखा रहे हैं। अभी वो ही एपिसोड कब से रिपीट रिपीट कर रहे थे वो लोग। मैंने 2017 से भी टीवी ऐसे बैठ के देखा ही नहीं है, लाइक लास्ट मैंने टीवी लाइक ऐसे मतलब बैठ के प्रॉपर, प्रॉपर भी नहीं कह सकते, पर लाइक ऐसे नागपुर अभी मैं रिसेंटली गया था मामा के घर पे, तो वहाँ पे लाइक मेरा भाई देख रहा था भाई वो ग्रिजली और लेमिंग्स, वो अच्छा लगा लाइक मेरे को, ऐसा काइंड ऑफ पोगो पे था वो, अच्छा लगा लाइक ग्रिजली और लेमिंग्स, एक बुलबुलो वाला बहुत सही था वो। ये अच्छा लगता है उसका, मतलब स्टार्टिंग ही इतना ग्रेट है ना, मतलब मजा आता है सुन के। मतलब सबसे लाइक बेस्ट कार्टून्स कौन से भाई, ऐसे नाम बता दे, सजेस्ट कर दे भाई, ऐसे अभी वाली जनरेशन को सजेस्ट कर दे भाई। सुन रहे हैं उन लोग के लिए तो पोपो द सेलर मैन देखो पहला, फिर सब डोरेमोन के ओल्ड ओल्ड एपिसोड्स देखो, और फीना बाय फर्ब्स, फीनी क्या क्या वो फिनीज एंड फर्ब था ना। हाँ फीनियस एंड फर्ब, हाँ वो एक है अच्छा कार्टून। और पावर रेंजर्स का ओल्ड ओल्ड एपिसोड्स देखो, जैसे SPD हो गया, SPD तो बहुत ओल्ड था। एसपीडी, फिर वो निंजा, निंजा फोर्स क्या ना, निंजा फोर्स नहीं, निंजा फोर्स, निंजा फोर्स निंजा फोर्स, सामुराई, फिर डायनो सैमुराई है। चार्ज, फिर और कौन सा था भाई, मिस्टिक फोर्स और लाइक जंगल फ्यूरी, बहुत भाई बहुत सही सही थे यार। बहुत हाँ मतलब बहुत वेरिएशंस है इसे रेंजर्स का, तो एक एक मजा ना आता था देखते हुए। इसमें पावर रेंजर्स मेगा फोर्स का या फिर सुपर मेगा फोर्स का एक एपिसोड था जिसके अंदर लाइक एंड एपिसोड था, उसके अंदर भाई सारे पावर रेंजर्स हाँ आ सारे जाते हैं, वो पावर क्या रेंजर्स आ गए थे, एपिसोड था यार, लाइक वो मजा आ मैंने गया था। बचपन में देखा था, लाइक मैं कितने साल का रहूंगा, लाइक 12-13 साल का रहूंगा, और लाइक ओ भाई क्या सही लग रहा है, लाइक ये हो गया भाई, ये जिंदगी है, लाइक इसमें मेरे को सच में जाने का है ये सीन में। वही वही मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब आएंगे वो एपिसोड में, पर आ गए। अच्छा लगा था, मतलब सब सब SPD आ गए थे, सामुराई आ गए थे, जंगल फ्यूरी थे, सब सब थे, सब थे। लाइक पहले के कार्टून्स का डबिंग भी बहुत सही होता था, और लाइक मतलब ऐसे अभी रिसेंटली मैं फिनियस एंड फर्ब के जो सॉन्ग्स आते थे कट होता है जो, लाइक मतलब ऐसे बीच बीच में सॉन्ग्स आते थे, जैसे वो लव हैंडल वाले एपिसोड्स में उन्होंने गाने रखे थे, या फिर लाइक जो टाइटल सीक्वेंस था, ऐसे लाइक मतलब सॉन्ग्स रहते थे ना बीच बीच में, समझ गया समझ गया। हाँ तो लाइक वो जो सॉन्ग्स थे ना वो कितने सही बनाए थे, जो लाइक उसका इंग्लिश वर्जन है ना उससे ज्यादा अच्छे लाइक हिंदी सॉन्ग्स, लाइक जो हिंदी में उन्होंने डब किया था, या शायद से पूरा गाना ही नया बनाया था, वो इतना सही लाइक लगता है भाई अभी भी सुन के, लाइक ऐसा मीनिंगफुल लगता है। वरना आजकल के लाइक कुछ कुछ जो कार्टून है ना ऐसा लाइक थोड़ा ब्रैग लगेगा या फिर लाइक थोड़ा रूड लगेगा, पर लाइक आजकल के कार्टून्स में मजा नहीं आता, लाइक जो हमारे वही समय में वही वही कार्टून में लाइक जो डिटेल था, जो एफर्ट था वो दिखता था कि लाइक हाँ भाई कोई एफर्ट्स लेके बना रहा है ऐसा, एक अच्छे से बच्चों को दिखना चाहिए कुछ, और लाइक ऐसा मतलब काइंड ऑफ वही मॉडरेशन बहुत लाइक लाइट भी था और सटल भी था, ऐसे लाइक आजकल के कार्टून्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, पहले के कार्टून्स में लाइक फनी ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के बात करते थे, फिर लाइक ये अरे घुमा फिराने से याद आया अपना ये तकेशी कासल, तूने देखा है क्या?
यार सब, अरे वो तो जानता हूँ, 10 बजे जो लगता था वो मजा आता था, वो मतलब वो भी देखने के लिए मजा आता है। पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं ना तकेशिस कासल में, या पहुंच गया है? नहीं, लोगों ने कंप्लीट किया था तकेशिस कासल। तकेशिस कासल एक्चुअली बहुत पुराना लाइक जापानीज शो था, जिसको बाद में उन्होंने लाइक हिंदी में डब किया था। लाइक भाई हाँ, जावेद हिंदी में डब जाफरी ने, किया था जावेद सब जाफरी के पास सही जैपनीज, बंदा है तकेशिस कासल। वही। लाइक क्या बहुत बहुत सही था। लाइक पूरी फैमिली मिलके देखती थी वो तकेशिस कासल, वाह फिर बेस्ट ऑफ लक निकी, फिर लाइक स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर। ये कुछ कुछ शोज थे ना वो, लाइक मतलब मेरी फैमिली में तो मम्मा पापा मैं लाइक एकदम छोटा था ना, तो हम लोग ऐसा बैठ के देखते थे खाना खाते वक्त। इसी का असल भी देखता था। और सबसे बेस्ट तो अभी के जेनरेशन को बताना चाहूंगा, तारक मेहता देखो। तारक मेहता के पुराने एपिसोड्स मैंने देखे हैं। लाइक मैं मतलब मामा के घर पे आता ना, तो मेरी लाइक मामी और मेरा भाई मिलके देखते थे भाई, तो मैं लाइक देखता था हल्का फुल्का। मैं नागपुर जाता था ना भाई, नागपुर में आके CID, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर क्राइम पेट्रोल वगैरह यही देखते रहते थे हम लोग। तारक मेहता उल्टा चश्मा में कैसा है, मतलब ना वो मतलब पुराने एपिसोड देखने में मजा आता है, ये जो अभी नए नए एपिसोड है ना उसमें सब मतलब बहुत डिले करते हैं एपिसोड को, मतलब बहुत खींच देते हैं पूरे एपिसोड को, मतलब सस्पेंस ना, मतलब लाइक आज बताना है ना आज के एपिसोड का सस्पेंस, तो कल बताएंगे, फिर उसके कल, फिर उसका ऐसा ऐसा, मतलब ना वो गो ऑन हो जाता है ऐसा। तो पुराने एपिसोड्स में देखने के लिए मजा है, मतलब लाइक न्यू एपिसोड्स में इतना वो नहीं है, और सब कैरेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, और उतना उतना भी मज़ा नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। जैसे तारक मेहता में सोडी चेंज हुआ, टप्पू चेंज हुआ, और लाइक सोनू भी चेंज हुई, अभी तारक मेहता भी चेंज हो गया। मतलब मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तारक मेहता चेंज होगा, क्योंकि तो मेन कैरेक्टर था जेठालाल के बाद। भाई दुनिया लाइक बदल रही है। लाइक वो एक अच्छा डायलॉग है, अभी बैटमैन का डायलॉग है, आई लाइक टू कोट बैटमैन, लाइक यू लॉन्ग लिव अ विलन और लाइक डाई अर्ली एज अ हीरो। लाइक वो बहुत अच्छा कोट है, वैसा ही चल रहा है अभी दुनिया के साथ आजकल। लाइक मैक्सिमम जो पुराने अच्छे शोज है वो लाइक काइंड ऑफ थोड़े से डायल्यूट हो रहे हैं आजकल, बहुत चेंज हो रहे हैं। और वो कभी कभी अच्छा ही लगता है। लाइक कुछ कुछ शोज में भाई चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुछ कुछ शोज में उतना अच्छा नहीं रहा है लाइक वो जैसे पहले था। बराबर, सब अभी न्यू न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो मतलब अभी हम सबको मालूम है कि ओल्ड कैरेक्टर्स में क्या मतलब फनियर थिंग था, तो अभी ये सब न्यू कैरेक्टर आ रहे तो लोग ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, मतलब लाइक हाँ मतलब शो कर रहे, मतलब कर रहे और हो रहा है, मतलब हो रहा है, यही यही है बस, इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है देखने में अभी। अरे सुन ना, बाय द वे कुछ तुझे तो मालूम ही है कि अभी ये पुराने कार्टून्स हो गए और ये सब पुराने शोज हो गए, जैसे तारक मेहता ये सब हो गया, बेस्ट ऑफ लक निकी, ये सब तो खाली मतलब मीम कम्युनिटी इनको यूज़ कर रही है, मतलब इनके ऊपर खाली मीम्स बन रहे हैं, तो तुझे ऐसा लगता नहीं है? हाँ मतलब मीम कम्युनिटी इसको जिंदा रखे हुए, और लाइक वो मीम कम्युनिटी भी हमारे ही जनरेशन टाइप से आती है ना, जिन्होंने ये सब लाइक बचपन देखा है, और लाइक उनको अभी वो रेफरेंस करने में बहुत इजी जाता है ना। मतलब जैसे अगर मैं अभी कोई नई चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे अभी एक बीच में बजट आया था, तो बजट के मीम्स बहुत सही बन रहे थे। अपना कंट्री का बजट आया था, आई डोंट मीन बजट मतलब रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं लोग, लाइक बजट मतलब ऐसा कंट्री का बजट आया था तभी उस पे मीम्स बहुत सही बने थे। लाइक हेरा फेरी का यूज़ किया था लोगों ने कि लाइक ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए स्कीम है, फिर लाइक ऐसा मतलब अच्छे अच्छे मीम्स बनाए थे उसके ऊपर। अभी देखते हैं, अभी जब अभी ये सब आगे सब जनरेशन आएगा उनके टाइम पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन से मीम्स आएंगे, कौन से नए नए शोज आएंगे, क्या लगता है? अगली जनरेशन तो कंफर्म लाइक नेटफ्लिक्स, फिर या ऐसे लाइक के ड्रामा वगैरह आजकल बहुत देख रही है, तो लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी के ड्रामा नेटफ्लिक्स का ये सब चैनल आएगा टीवी पे अगले जनरेशन में। तेरे ही घर पे ऑब्जर्व कर ले, बहुत कम सेक्ट ऑफ पीपल है जो अभी लाइक घर पे बैठ के ऐसा डेडिकेटली कोई टीवी या फिर कोई सीरियल फॉलो करते हैं। लाइक ऐसे मतलब हमारे दादा दादी के जमाना और लाइक थोड़े हद में हमारा मम्मा पापा का जमाना ही अभी रह गया जो लाइक सीरियल फॉलो करते हैं, वरना सब लोग को आजकल कुछ नया चाहिए, तो लाइक सब नेटफ्लिक्स और OTT वगैरह पे ही आ गया है मैक्सिमम। भाई अभी मेरी मम्मी भी वही देख रही है, तारक मेहता। मेरी मम्मी भी तारक मेहता देखती है, सब सीरियल्स देखती है, ये सब मतलब मेरे घर पे सब ज़्यादा टीवी तो
मैं तो नहीं देखता, मतलब कभी कभी मम्मी देखती है, कभी मैं देखता हूँ, कभी बहन, बस। तेरे अकॉर्डिंग लाइक ये नई जनरेशन भाई कहाँ जाएगी, लाइक कैसे जाएगी नई जनरेशन, और तू हेल्प क्या करेगा भाई उनको एज लाइक अडल्ट, मतलब तेरे बाद वाली जो जनरेशन होगी, तेरे बच्चों की, फिर तेरे लाइक पोतों की वगैरह। मतलब मैं, मेरे जो बच्चे के जनरेशन में पूछ रहा है, हाँ बच्चे, या फिर लाइक तू, मतलब तेरे बाद तेरे कोई भाई या फिर सिबलिंग रहेगा ना, वो तेरे बाद वाली जनरेशन में ना, लाइक तू जेन जी में आता है, तो जेन जी के बाद जो अभी जेन अल्फा और जो आगे की जनरेशन है, वो उनको तू क्या बताएगा भाई, और उनको तू कैसे हेल्प करेगा, और वो क्या करने वाली है तेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में? कुछ लग रहा तो नहीं है, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे मतलब अगली जनरेशन को इमेजिन कर रहा हूँ। मतलब चेंज तो बहुत होगा सब, मतलब पूरा मुंबई अपग्रेड हो जाएगा, पूरा महाराष्ट्र अपग्रेड हो जाएगा, और हेल्प तो कुछ ऐसा है नहीं उनके लिए, बस इतना ही है कि बड़े होके कुछ अच्छा ही करना है, कुछ अच्छा फ्यूचर बनाना है उनका खुद का, और अच्छा उनको मैनर देना है, डिसिप्लिन में रखना है। लाइक हैज पेरेंट तो वही है, और हैज अडल्ट तो वही, ये सब नशे विशे नहीं करना है, और ड्रग्स नहीं लेना है, और मतलब गलत संगति में नहीं जाना है, पाप के काम नहीं करना है, ऐसा सब। लाइक अडल्टहुड में अगर मैं उनको हेल्प करना चाहूँगा तो ऐसा। तेरा भाई एक और बड़ा फैसिनेशन है यार, तू लाइक इंस्टा पे और लाइक ऐसे नॉर्मली भी स्टेटस वगैरह पे भी तू भाई कार्स के बारे में बहुत बात करता है भाई, गाड़ियों के बारे में, लाइक तेरा फैसिनेशन ये शुरू कहाँ से हुआ, लाइक ऑडियंस को बताओ, और तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी है भाई? तो ये ऐसा था कि वंस अपॉन अ टाइम तो मेरा मेरा मामा है एक, मेरे एरिया में रहता है, तो लाइक ना, तो उसको ना कार्स पसंद थे, तो मुझे इतना क्रेज नहीं था कार का, मुझे बस ऐसा लगता था हाँ भाई स्पोर्ट्स कार है, अच्छा दिखता है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर ऐसा होने के बाद ना उस वो ना हमेशा कार्स का स्टोरी डालता था मेरा मामा, तो मैं जस्ट लाइक उसको उस दिन पूछा कि क्या है ऐसा ऐसा कार में, तो उसने को बताया कि ऐसा ऐसा स्पोर्ट्स कार रहता है, कौन सा टर्बो लगता है उनमें, कौन सा एग्जॉस्ट लगता है, लाइक उनका स्पीड क्या है, कौन से मतलब कितने स्पीड में मतलब कहाँ जाके पहुँचेंगे, उनका मतलब लाइक प्राइस लेवल क्या है, क्या उनका मतलब वो है एक्सप्रेशन क्या है, क्या उनको ज़्यादा एट्रैक्टिव करता है, ये सब। तो लाइक उस दिन मैं ऐसे कार्स के वीडियो देख रहा था, और उस दिन मुझे सुपरा MK4 दिखा, जो 90s का कार है, मालूम ही होगा तुझे, है ना। हाँ भाई Mark 4 सुपरा भाई, गोल्ड गाड़ी है वो। हाँ, तो उसका जो मतलब जो आवाज है ना, मतलब लाइक तू 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 वाला, वो तो एक नंबर है यार, मतलब छा जाता है वो आवाज ही, मतलब फिर अभी के लिए तो मेरा फेवरेट कार तो सुपरा ही है, सुपरा MK3, MK2 और MK4, और अपने इंडिया में लीगल MK1 है, अपने इंडिया में अगर लेने जाओ ना सुपरा MK1, तो लीगली वो ही ड्राइव कर सकते हैं इंडिया में। हाँ इम्पोर्ट करा सकते हैं, लाइक कुछ तो इंडिया का रूल्स है, लाइक तू बाकी कंट्रीज से इम्पोर्ट करा सकता है, लाइक इंडिया में टिल 2015 2010 2015 10 के बीच तक सुपरा की प्राइस बहुत कम थी, लाइक 28 लाख 30 लाख थी भाई, पर अभी लाइक रिसेंटली मैं उस दिन देख रहा था ऐसे ही रैंडम सेकेंड हैंड कार्स वेबसाइट पे जाके, सुपरा की प्राइस भाई इम्पोर्टेड सुपरा की प्राइस इंडिया में 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। नहीं, सुपरा MK1 ना, सुपरा MK1 कुछ 85 लाख में है, मैं उस दिन ही गूगल किया था, तो कुछ 85 लाख बता रहा था, तो अगर ऑनलाइन मतलब लाइक ऐसा OLX पे, नहीं OLX पे तो नहीं आएगा सुपरा तो लाइक ऐसा मतलब सेकेंड हैंड देखने गए तो लोग प्राइस में तो ज़्यादा ही देंगे, मतलब लाइक 1 करोड़ में देंगे ऐसा। तो उस दिन मैं गूगल किया था तो 85 लाख का ही है वो स्पोर्ट्स कार। तेरे अकॉर्डिंग में इंडियन गाड़ियों में सबसे बेस्ट कार कौन सी है भाई, ऐसे लाइक ओवरऑल में एकदम, मतलब फैमिली को ओनली ले लो, स्पीड को ले लो, लाइक माइलेज को ले लो, और लाइक लुक्स वगैरह सब एकदम मस्त, ऐसी कौन सी गाड़ी है? ओनली हाँ भाई, अरे ओमनी भाई, गैंगस्टर गाड़ी, गैंगस्टर की गाड़ी है वो, ना, टॉप मतलब जी, टॉप जैसे जी आएगा भाई ओमनी में, टॉप जी आएगा।
वही ना, मतलब वो ओजी कार है, पूरा ओजी कार है। मतलब लाइक जैसे बिल्डिंग के, मतलब उस दिन ही ऐसा हुआ कि मैं बिल्डिंग के नीचे गया और लाइक चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था, और जस्ट मेरे सामने से वो ओमनी कार आया। मुझे ऐसा लगा भाई किडनैपर गाड़ी यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं लेजिट भाग के घर पे आ गया। लाइक ओमनी इज द ओनली कार विच इज लाइक फेवर्ड बाय बोथ फैमिलीज, स्कूल बस और लाइक कार्गो वाले और गैंगस्टर्स, लाइक सब लोग वापरते उस हाँ गाड़ी को, एकदम हाँ समान समान बराबर वापरते सब लोग। बराबर बराबर। तेरा क्या कहना है ओमनी के इसमें, मतलब कैसा है वो गाड़ी? ओमनी भाई यादें बहुत जुड़ी है मेरी, लाइक मैं फर्स्ट वैन से जाता था लाइक स्कूल, जब मैं मतलब हाँ मेरे हाँ जो एग्जिस्टिंग घर है जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, वो मैं शिफ्ट हुआ लाइक 2011 में वहाँ पे। पहले मैं मेरे स्कूल के पास में रहता था रेल विहार में, पर अभी मैं लाइक अराउंड दो 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 किलोमीटर लाइक दूर शिफ्ट हो गया मैं। तो भाई तभी वैन लगाई थी और लाइक हमारे जान पहचान के ही है वो वैद्य करके, तो उनकी भाई ओमनी थी ग्रीन कलर की, वो अभी भी उन्होंने रखी है। लाइक वो उतनी अच्छे से चलती नहीं है, लाइक पुरानी हो गई, वो पार्कती रहती है बहुत ज्यादा, पर भाई वो बहुत बहुत सही लगती है वो गाड़ी आज भी। उसका बात ही अलग है। मतलब अच्छा भी लगता है वो गाड़ी। मतलब उसका है स्पीड है, और अच्छा गाड़ी मुझे इंडिया में कौन सा लगता है, ये अपना मर्सिडीज और BMW। मतलब है उसका, मतलब बहुत है उसका, क्या बोलते हैं अपना क्रेज बहुत है, क्या, क्रेज बहुत है। हाँ क्रेज, क्रेज बहुत है। हाँ पर वही क्रेज बहुत है उसका। मतलब स्पीड में भी दोनों कार अच्छा है, पर BMW वर्सेस मर्सिडीज होगा तो टफ होगा, पर BMW जीत जाएगी ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि उसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसको शूटिंग्स में भी यूज़ करते हैं BMW को। अगर कोई समझो कोई स्पीड कार का, कोई स्पीड कार का शूट करना है तो ज़्यादातर BMW यूज़ करते हैं। BMW अच्छी है, लाइक गाड़ियाँ BMW की बहुत सही रहती है, लाइक ऐसे रिफाइंड एकदम। उन लोग का टैगलाइन भी वही है ना कि लाइक द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, लाइक तो अच्छा है, लाइक वो यस टैगलाइन को बहुत सूट करती है भाई उनकी गाड़ियाँ। मर्सिडीज थोड़ा लाइक ऐसा काइंड ऑफ क्लास वाली गाड़ियाँ लगती है भाई, कि लाइक ऐसे मतलब आराम से चलो, पर लाइक ऐसा भी नहीं है कि लाइक मर्सिडीज फास्ट गाड़ियाँ नहीं बनाती, उनकी जो AMG वाली गाड़ियाँ रहती है भाई बहुत फास्ट रहती है उनकी। BMW की भी M वाली लाइक जो नॉर्मल BMWs रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, लाइक एकदम लाइक रिफाइंड रहती है गाड़ियाँ, पर लाइक जो M मोटर स्पोर्ट वाली रहती है उनकी, BMW मोटर स्पोर्ट की, वो भी बहुत सही रहती है गाड़ियाँ। ये BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, और सबसे बेस्ट तो अपना स्पोर्श, वो तो दिल छू लेता है। स्पोर्श एक नंबर गाड़ी है, क्या बोलता पोर्शा है की तू? बहुत, पोर्शा की अच्छी गाड़ियाँ रहती है भाई। स्पोर्श एक हो गया, और इंडिया में कौन सा गाड़ी लीगल है? एक मस्टैंग ना, मस्टैंग और GTR। हाँ GTR शायद से इम्पोर्ट करना पड़ता है, लाइक पुरानी वाली तो इम्पोर्ट करनी पड़ती है, लाइक R31, R32, R33 और R34 इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रूल्स में नहीं आती है शायद से, या फिर आती भी होंगी, का लाइक बहुत कम लोगों ने ली भाई तभी के टाइम पे 90s में, उतने लोग के पास पैसा नहीं था इंडिया में, तो लाइक भाई इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं करते थे लोग, लाइक अभी कर सकते हैं। अभी लाइक R35 शायद से लीगल है, फिर इम्पोर्ट करनी पड़ती है, नॉट श्योर। मस्टैंग कर सकते हैं, मस्टैंग उस इम्पोर्ट दिन ही होती है तुझे अभी। मालूम है, उस दिन तुझे मालूम है हम दोनों ने कौन सा कार देखा था? हाँ लोटस था भाई, वाइट कलर लोटस। था, लोटस एलिस था भाई। ओए भाई क्या गाड़ी था वो, बस वो ज्यादा स्पीड में जा रहा नहीं था क्योंकि इलीगल है, ना इलीगल, और भाई ट्रैफिक मुंबई का बहुत है, लाइक खड्डे में भाई गिर विर गई ना गाड़ी, वो बैंड हो जाएगी। वही एक एक सब। बहुत बहुत सही जोक था भाई, मैं परसों देख रहा था, उसके अंदर लाइक उन्होंने बोला था कि भाई टेस्ला लाइक इंडिया में ला भी ली तो लाइक बहुत प्रॉब्लम्स होंगे उनको, लाइक बहुत ज्यादा ट्रबल शूट करना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि लाइक एक वही तो पॉट होल्स बहुत ज्यादा है भाई, रास्ते पे कोई भी लाइक आ जाता है तो उसका लाइक उतना लाइक फायदा है, ऐसा नहीं कि भाई फायदा नहीं है, पर लाइक थोड़ा मतलब टाइम लगेगा उसको सेट होने में इंडिया में, और महंगी भी है एक तो गाड़ी, तो लाइक उतने लोग नहीं लेंगे भाई टेस्ला। अब तक लाइक जो प्रोमिनेंट बायर्स है टेस्ला के वो तीन या चार ही है इंडिया में, लाइक रितेश देशमुख की फर्स्ट थी टेस्ला, मुकेश अंबानी के बेटे ने ली थी, और लाइक नीता अंबानी ने एक ली थी, और लाइक ऐसे दो तीन लोग हैं, और पुणे में वो जो जिन्होंने वैक्सीन बनाया था ना, उनका नाम क्या है वो कंपनी का, वैक्सीन कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। मतलब टेस्ला का क्या उनके है? टेस्ला का नाम, मतलब
एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में कैसा है, मतलब जाएगा बराबर, अगर लोकेशन बराबर डालेगा लोकेशन से जाएगा उतनी लिमिट स्पीड पे जाएगा। और डिसएडवांटेज ऐसा है कि कोई कोई टेस्ला में मतलब ना कमांड बराबर सुनते नहीं है, हाँ, तो मतलब कभी रिलेटिवली कभी नई ऐसा। कंपनी है ना, लाइक टेस्ला भाई 2008 या 2009 में लॉन्च हुई थी, लाइक बहुत एकदम फ्रेश कंपनी, अभी बच्चे है भाई, वो बच्चे ही ना, लाइक ऐसे चिढ़ा नहीं रहे, लाइक वो बच्चे है, बट लाइक दे आर रिलेटिवली वेरी न्यू टू द गेम. अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, मैं जस्ट इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो एक मदर और उनकी डॉटर लाइक टेस्ला में बैठे थे, और वो टेस्ला पूरा अनकंट्रोल हो गया था पूरा, और मतलब कुछ कंट्रोल करने हो रहा नहीं था वो दोनों माँ बेटी को। तो लाइक उन लोग ना एक ट्रक को जाके इतने जोर से क्रैश हुए ना, लाइक जगह पे उनका डेथ हो गया। हो सकता है भाई. अरे लाइक नॉर्मल गाड़ियों का भी एक्सीडेंट होता है, और लाइक मतलब ऐसे एकदम ट्रबल शूट करने का उनको टाइम लगेगा भाई गाड़ियों को. और लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक गाड़ी रॉन्ग भी होती है, और लाइक बहुत बार करेक्ट भी होती है, बस लाइक लोग आड़े टेढ़े मतलब थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलाने लग जाते हैं, या फिर लाइक जो ऑटो पायलट का तू बोल रहा है उसमें कुछ मतलब गाड़ी में फॉल्ट हो सकता है, लाइक उन्होंने अच्छे से मेंटेन और रिपेयर नहीं की होगी गाड़ी, तो लाइक उसका सेंसर खराब होगा वही भाई. वही उनकी रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी रहती है भाई, क्योंकि किसी की जिंदगी गई है तो भाई बहुत बड़े कॉस्ट पे गई है ना वो, लाइक गाड़ी का डैमेज हुआ है वही भाई, वो पर्सन की फैमिली को कितना बड़ा डैमेज हुआ है, और लाइक कंपनी वही की रेपुटेशन वगैरह, लाइक उसकी रिपोर्ट बहुत बड़ी रहती है, और लाइक वो रिपोर्ट अगर पड़ेगा तो उसमें अच्छे से बताते हैं भाई. बराबर बराबर। तेरा क्या कहना है, मतलब टेस्ला अच्छा है, मतलब इंडिया में आना चाहिए, मतलब आ तो गया है, पर ऐसे मिडिल क्लास फैमिली को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जब तक गाड़ी सस्ती नहीं होती, मेड इन इंडिया नहीं होती भाई, तब तक तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लेगा टेस्ला को, क्योंकि टेस्ला बहुत ऐसे मतलब एकदम कंपेयर करेंगे ना रेशियो में तो बहुत महंगी गाड़ी है. एक तो मेड इन इंडिया नहीं है भाई, उसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है, उस पर टैक्सेस बहुत लगते हैं, उसकी नॉर्मल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कोई ऐसे लाइक पेट्रोल की गाड़ी ले, जैसे लाइक किसी ने ऑल्टो ले ली भाई, ऑल्टो ज़्यादा कितनी, लाइक 4 लाख 5 लाख और टिक जाती है ऑल्टो आराम से 20 साल वगैरह. तूने तू सीरीज देखता है? अभी मतलब नहीं, अभी नहीं, ये स्ट्रेंजर थिंग्स ने देखा है? स्ट्रेंजर थिंग्स, ऑल ऑफ अस डेड, ना मेरे को देखना है अभी, ऑल ऑफ अस आर डेड, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट वगैरह सब मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, टाइम नहीं मिलता ऐसे ज़्यादा. मैंने तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख लिया, ऑल ऑफ अस डेड देख लिया, बस मनी हाइस्ट मैंने भी नहीं देखा है, मतलब मेरा भी पेंडिंग है वो। मेरे को वेनसडे भी देखना है अभी, बहुत लोग मेरे को गालियाँ देंगे पर लाइक मैंने वेनसडे भी नहीं देखा है. वेनसडे इज रिलेटेड टू स्ट्रेंजर थिंग्स, अच्छा क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स में भी एक 11 करके लड़की थी, मतलब ना उसके ऊपर एक रिसर्च करते हैं कि उसके पास एक एक पावर रहती है। तो वेनसडे में भी, वेनसडे के ऊपर एक लड़की है, उस लड़की का ही नाम वेनसडे है, तो उसको मतलब लाइक कर्ज्ड लड़की रहती है, वो पापी लड़की रहती है। तो ना वो नॉर्मल स्कूल से बहुत बार टीसी ले लिया उसने, मतलब लाइक वो कभी मर्डर करती थी, कभी क्या करती थी, कभी क्या। तो वो ना एक नेवरमोर करके जगह है, एक एकेडमी है, वहाँ पे ना सब ऐसे कर्ज्ड जो बच्चे आते हैं ना, उनको वहाँ पे एडमिशन मिलता है, तो वहाँ पे रहती है ऐसा है। अभी मैं तुझे स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, तेरा मज़ा ये हो जाएगा। नहीं, अच्छा ना एक हल्का डिस्क्रिप्शन मिल गया. लाइक मैंने ना एक एपिसोड देखा था भाई उसका सिर्फ, वो भी हम लोग मिले थे देख तभी देखा था, लाइक एक फ्रेंड के घर पे हम लोग सब बैठ के देख रहे थे तभी, लाइक एंड वैसे हाँ हल्का हाँ हाँ देखा था. बराबर बराबर, वो फर्स्ट एपिसोड था उसका जब अपन देख रहे थे तभी। ऐसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना तो तू लाइक भूत वूत वगैरह के बारे में बहुत बात करते हैं, भूत आत्मा प्रीतात्मा वगैरह. हम लोग अभी ताते विंसु वाला जोक बहुत फेमस है, ओम भगनी भागो दरी वाला, लाइक भूतों के बारे में तेरा क्या कह रहा है भाई, हॉरर ऐसे कैसे तेरे को कैसा लगता है भाई भूतों के बारे में? अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैंने, एक रियल स्टोरी है ये, एनालिस करके कुछ है उसका नाम, वो लड़की का नाम तो नहीं मालूम, पर मतलब एक ट्रू स्टोरी है। तो क्या होता है ना कि वो लड़की ना मतलब उसके अंदर 6 डीमंस आ जाते हैं, 6 इविल स्पिरिट्स आ जाती है, और मतलब ना इतने उसके पास फादर आते हैं चर्च के, पर तो भी नहीं निकलते, मतलब उसके अंदर से एक डीमन नहीं निकलता है बाहर, उल्टा वो फादर लोग को भगा देती है, मतलब मार देती है। कोई कोई फादर तो उसके वजह से मर भी गए। इविल स्पिरिट होती भी है और नहीं होती भी है। लाइक इविल स्पिरिट ये है कि मतलब अगर मन में रखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई है, अगर नहीं रखोगे तो नहीं है, तो ऐसा।
और वो जो ट्रू स्टोरी का है उसका वो क्या बोलते हैं कि उसका जो ट्रू मतलब जो उसके ऊपर बायोग्राफी बनी है ना, उसके उसके मूवी का नाम द एग्जॉर्सियम है, तो अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा वो। हाँ, द एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सियम नहीं, द एग्जॉर्सिस्ट। हाँ तो वही उसके मतलब वो लड़की के अंदर ना 6 डीमन आ जाते, तो मतलब लाइक मालूम नहीं ऐसे मतलब 6 डीमन तो ऐसे ही नहीं आएंगे उसके बॉडी में, बस अभी उसने कुछ किया होगा, कुछ ऐसे मतलब पूजा पाठ ऐसा कुछ किया होगा, वो इसके लिए वीजा तो वीजा आएंगे बोर्ड आए की वजह होंगे। से आए थे, लाइक उस मूवी में तो हाँ उन्होंने वीजा बोर्ड की वजह से बताया, लाइक वीजा हाँ बोर्ड और उन्होंने अनअटेंडेड छोड़ दिया, तो लाइक वो डीमन को, भाई डीमन बस थोड़ा सा ऐसा गुस्सा हो गया, तो वो उसकी वजह से उसको इंटरवीन करता है और उसमें लाइक उसके अंदर मतलब एक नहीं 6 6 डीमन आए थे, तो हाँ मतलब सब और सब डीमन का नाम मुझे याद है, 1 मिनट। तो सबसे पहले तो हेल का राजा अपना ये लूसीफर आया था, और केन आया था, केन जू मतलब ये सब केन जुदा और मतलब एडम और ईव का एक बच्चे भी आए थे उसके अंदर, कुछ तो जुदा ऐसा या लगता है भाई, इतना इतना डिटेल में नहीं देखा था मैंने द एग्जॉर्सिस्ट, पर लाइक था वो भाई स्कैरी था वो मूवी, और लाइक ऊपर से बाद में लाइक मैंने मतलब विदाउट कॉन्टेक्स्ट के देखा था ये, लाइक अभी इसके मतलब ये जो एपिसोड रिलीज होएगा उसके पहले भाई एक सारा दिवेचा के साथ मैंने किया था भाई एपिसोड, उसके अंदर भी हम लोगों ने एग्जॉर्सिस्ट के बारे में बात किया था, उसके अंदर भी लाइक मैं उसको वही बोल रहा था कि लाइक मैंने ऐसे विदाउट कॉन्टेक्स्ट देखा था वो मूवी बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसा मतलब नॉर्मली मेरे को मेरे एक भाई है, लाइक मेरा एक दादा है, उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई द एग्जॉर्सिस्ट जाके तू देख जरा, तो मैंने जाके देखा था, और एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट लेके नहीं गया कि लाइक क्या होता है और लाइक ये रियल स्टोरी है, ऐसा लाइक कुछ मालूम नहीं था, मैंने सिर्फ नॉर्मली जाके ऐसा शाम को एक दिन मस्त से देखा वो मूवी, फिर बाद में मैंने जब रिसर्च किया ना मूवी देखने के बाद, तभी भाई पता चला मेरे को कि लाइक इसमें मतलब ऐसा ऐसा है, और लाइक ये रियल स्टोरी थी किसी एक लड़की की, और लाइक मतलब वो लड़की के एक दो वीडियोस भी देखे थे भाई मैंने यूट्यूब पे, और लाइक मालूम नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर लाइक भाई स्कैरी तो डेफिनेटली था वो, लाइक कहना नहीं ऐसे वो हॉन्टेड पूरा था वो। स्टोरी है पूरा ट्रू स्टोरी है वो। मतलब वो लड़की जो मतलब जो उससे गुजरी है ना वो मतलब बहुत खतरनाक था, पर इन दी एंड वो जब 6 डिमन उसको लेके गए मतलब मर गई वो बेचारी। ना मूवी के अंदर भाई मरी हुई नहीं दिखाई है वो, मूवी के अंदर बच जाती है, पर लाइक एक वो नहीं फादर मर जाता है भाई। इन रियल हाँ, इन रियल वो गुजर गई थी। हाँ वो बेचारी गई, वो मतलब शायद उसके साथ कुछ ऐसा डिप्रेशन वाला हो रहा रहेगा, कुछ स्ट्रेस हो रहा रहेगा, उसको डिप्रेशन हो रहा होगा, मतलब ऐसे कुछ कुछ हाँ दौर से बहुत गुजरी बहुत होगी वो। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। हाँ तो इसके लिए शायद उसने कुछ उसको कुछ पावर्स चाहिए रहेंगे, इसके लिए उसने कुछ मतलब कुछ अलग ही काम कर दिया कि सब सबको दावत दे दिया अपने बॉडी में ऐसा। तेरे अकॉर्डिंग ईविल का लाइक पर्पस क्या है भाई इस दुनिया में, लाइक जो हम लोग बोलते हैं कि लाइक एक मतलब एक द गुड साइड है, और फिर वो बैड साइड का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका काम क्या है, क्योंकि लाइक नॉर्मल सोसाइटी में जब हम लोग बात करते हैं तो भाई लोग यही बोलते हैं कि लाइक वो एक बुरा ही है और एक अच्छा ही है, पर लाइक हर बार जो बुरा है उसमें सब बुरा नहीं रहता, और लाइक अच्छे में भी बहुत बार सब कुछ अच्छा नहीं रहता, इट्स लाइक जस्ट हम लोग को एक डिफरेंशिएट करना रहता है, इसके लिए हम लोग लाइक बोलने लग जाते हैं कि ये बुरा है ये अच्छा है, पर एक्चुअल में लाइक कम्प्लीटली नहीं रहता, और लाइक फिर अगर लाइक बुरे का पर्पस क्या है, सिर्फ लाइक अच्छे का एग्जिस्टेंस इज नॉट बुरे का पर्पस ना, बुरे में खुद में कुछ होगा, तो तेरे अकॉर्डिंग क्या है भाई ये इस मिस्ट्री का कैसे सुलझाता है तो इसे मेंटली खुद। इविल और गुड स्पिरिट अपने अंदर ही है, पहली बात तो इविल स्पिरिट करना है जो पाप का काम है, और जो गुड स्पिरिट है वो नहीं करना है, ये गलत है ऐसा। तो मतलब जो ये सोसाइटी वालों को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं जाने का, रात को इधर नहीं जाने का, 12 बजे के बाद इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, पूनम की रात आती है तभी 12 बजे के बाद नहीं निकलने का, नहीं तो भूत आता है, ये वो ये सब अंधविश्वास तो है पर एक टाइप से थोड़ा रियल भी है, थोड़ा रियल बोलूँगा ऐसा। तो मैं चर्च जाता हूँ हर संडे, तो हमको यही सिखाते कि मतलब जब तक तुम वो मतलब तुम्हारे माइंड में जो चलेगा ना हो इविल स्पिरिट के बारे में, तो तब तक तुम डरोगे और तुमको विश्वास होगा कि इविल स्पिरिट है। अगर तुम गुड स्पिरिट को अपने बॉडी में रखोगे, अच्छे मतलब अच्छा सा करोगे अपने बॉडी को, तो डर नहीं लगेगा और तुम मतलब फ्रीली चल पाओगे ऐसा।
एक बहुत डीप मैसेज है, और लाइक बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे भाई अगर सोच के देखे तो हाँ, लाइक को कहीं ना कहीं करेक्ट है ये थॉट कि लाइक हम अगर कुछ अच्छा थॉट, अच्छा सोच के भाई कुछ करते हैं तो वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। लाइक ऐसा एग्जांपल लेके, खुद की लाइफ के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो लाइक हाँ, ये एक्चुअली कुछ काम है इस स्टेटमेंट का, बहुत बड़ा काम है एक्चुअल में। तो यही है, मतलब एग्जॉर्सिस्ट तो वो ही है, मतलब वो लड़की की थोड़ी बहुत गलती थी, पर उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि सबको ये कर दिया उसने, मतलब सबको जगा दिया आत्मा में। और अभी उसका इतना बड़ा मिस्ट्री तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं इस बात पे रिसर्च करूंगा, अगर रिदेश तू अगर पार्ट टू बनाया बना रहा होगा तो मैं इस बात को बताऊंगा। ऑफ कोर्स भाई, इस पार्ट में भाई बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हम लोगों ने, और लाइक ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे लाइक कार्टून हो गया, कार हो गया, और लाइक साइड बाय साइड कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे थोड़े कंट्रोवर्शियल भी और थोड़े इंपॉर्टेंट भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, और लाइक बहुत एक्चुअल में हाँ बहुत बहुत मज़ा आया भाई। और लाइक ऐसे इसका पार्ट टू तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं हम लोग, पार्ट टू में और थोड़ा डीप जाएंगे भाई ऐसे रिलीजियस चीज़ों के बारे में, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि तेरे कुछ कुछ जो आइडियाज़ है, कुछ कुछ जो थॉट्स है वो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो एज अ ऑडियंस सुनने को भाई बहुत मज़ा आता है, तो लाइक वो शेयर करते वक्त एज अ क्रिएटर भाई टू अ ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे भी। अच्छा लगा तेरे पॉडकास्ट में आके, मतलब बहुत दिन से इच्छा थी तेरे पॉडकास्ट में आने की, पर आज हो गया वो। अच्छा लगा, तुझे कैसे लगा मैं आया हूँ? बहुत बहुत सही लगा, और लाइक काइंड ऑफ ऐसे ऐसा एक्साइटमेंट लग रहा है भाई, ऐसा बच्चे के जैसा कि इसका पार्ट टू कब आएगा, काइंड ऑफ ऐसा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, पार्ट टू जो आएगा वो पूरा रिलीजियस टॉपिक पे रहेगा। मैं पूरा, मतलब जो जो मैंने सस्पेंस अभी छोड़ा है ना, मैं पार्ट टू में बता दूंगा नाइस नाइस, बहुत बहुत ऐसे। लाइक ऑडियंस भाई वेट करेगी उसके बारे में कंफर्म। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलो, वो प्रथा है रहनी चाहिए हम लोग की, मतलब ऐसे थोड़े एंगेजमेंट बढ़ाओ इस चैनल पे, इस एपिसोड को शेयर करना मत भूलना, और अपने फैमिली स्टेटस वगैरह सब जगह पे लगा दो भाई, ऐसे छाप दो और डंका बजा दो भाई हमारे चैनल का, हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का। हैव अ नाइस डे, हैव अ कभी अलविदा न कहना। बाय 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 बाय, हैव अ नाइस डे। बाय।